तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं आज अपनी फैक्ट्री का व्यू। ये देखिए, हमारा ये बिस्तर है, इस रूम में मैं रहता हूँ, यहाँ पे मैं सोता हूँ। और ये देखिए, इधर हमारा बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, जहाँ से मैं खाना वाना बना के खाता हूँ। इधर मैंने कपड़े वपड़े टांग रखे हैं अपने। तो चलिए बाहर निकलते हैं। इधर निकलने के बाद ये हमारा बाथरूम बना हुआ है, ये यहाँ नल लगा हुआ है, ये नल लगा हुआ है। और हमारी कंपनी का व्यू देखिए, ये हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है। इधर हमारा ऑफिस है, ये हमारा ऑफिस है, ये इधर मेन गेट है, इधर मेन गेट है। और इधर ये देखिए CO2 सिलेंडर, ये वेल्डिंग में लगता है। और यहाँ से हम अपनी कंपनी के अंदर इंटर करते हैं। ये देख, ये प्लेटें पड़ी हुई हैं। इसमें होल मारने के बाद हम इसको कॉलम में लगाते हैं, इसको हम कॉलम में लगाते हैं। ये हमारा देखिए पाइप कटर रखा हुआ है, यहाँ ड्रिल मशीन है, ये हमारी पर्लिंग है, जिसे पर्लिंग बोलते हैं। ये हमारा टीन है, जो साइड पे जाने के बाद सेट किया जाता है। और ये देखिए, ये बेस प्लेट है, ये एक दिखा रहा था मैं आपको, कॉलम में लगती है। और ये हमारा कॉलम बना हुआ है। और ये हमारे आउटर फ्रेम रखे हुए, बने हुए, इधर भी आउटर फ्रेम ही है। ये हमारा देखो सिलेंडर है, CO2 सिलेंडर है, ये वेल्डिंग मशीन है, इस पर गैस कटर रखा हुआ है। ये भी ये देखो मशीन है, मिग वेल्डिंग जिसे बोलते हैं, उसमें CO2 सिलेंडर लगता है। और ये देखिए वायर लगती है, ये वायर है, इसमें ये वायर चलती है, इसी से वेल्डिंग होती है। और ये आउटर फ्रेम, ये हमारे राफ्टर बनते हैं, देखिए ये अभी बने हुए नहीं है, ऐसे रखे हुए, बना हुआ। इधर हमारा आपको दिखाते हैं मैं, ये देखो CO2 सिलेंडर, ये हमारा बड़ा ग्राइंडर है। और इधर देखिए, ये हेलमेट रखा हुआ है, ये एक इधर भी पाइप कटर रखा हुआ है। ये देखिए हमारे जो राफ्टर हम बनाते हैं उसके लिए मुड़ाई होके आता है। ये देखिए, इस पर एक बेस प्लेट रखा हुआ है राफ्टर का, ये राफ्टर तैयार हुआ, इसे हमने तैयार कर रखा है, पूरा फिनिश हो चुका है, वेल्डिंग वेल्डिंग हो चुकी है, इसमें सारी वेल्डिंग हो गई है, ये हमारे तैयार हो चुके हैं। और इस बिल्कुल फिनिशिंग टेस्ट देने के बाद ये हमारा राफ्टर तैयार होता है इस तरीके से, ये राफ्टर तैयार हो गए हमारे। ये उधर फायर सिलेंडर भी टंगा हुआ है, एक ये फैन लगा हुआ हमारा, ये सारे राफ्टर बिल्कुल फिनिशिंग टच में है, तैयार हो रखे हैं। और ये आउटर फ्रेम इधर देखिए, हमारे आउटर फ्रेम ही रखे हुए हैं, पूरी एक कैनोपी का माल है, जो हमारे यहाँ पेट्रोल पंप का काम होता है, पेट्रोल पंप पे जो छावनी बनाई जाती है उसका काम होके यहाँ से जाता है, साइड तो पूरा कनेक्ट किया जाता है सारा भी। ये देखिए, हमने इसका एक फर्मा बना रखा है, जिस पे हम राफ्टर ये जोड़ते हैं, और राफ्टर में एच लगता है, जो उसका फर्मा ये बना रखा है। दोस्तों पूरी जानकारी अगर आप सही से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे बनता है पेट्रोल पंप की छावनी। काफ़ी मालूमात इसके बारे में मिल जाएगी। और अगर कोई काम करना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। ये हमारा पूरा व्यू है इधर का, फैक्ट्री, ये हमारी फैक्ट्री है, सारा कुछ सामान रखा हुआ है, जो भी यहाँ से जाता है सारे नट बोल्ट यहीं से जाते हैं, पूरा एकदम ऐसा जाता है कि मतलब वहाँ पे कुछ भी लेना ना पड़े, इधर उधर से खरीदना ना पड़े, सारा कुछ यहीं से जाता है पूरा। ये देखिए हमारा स्टोर है इधर, इधर सब कुछ मिलेगा, जो भी चाहिए आपको सारा सामान यहाँ रखा हुआ है। दोस्तों देखिए, ये हमारा इधर माल आया हुआ है, ये माल पड़ा हुआ है पूरा ही सारा भी।
जितना जो भी होता है हमारी फैक्ट्री में सारा कुछ पड़ा हुआ है, आपने देख लिया और फैक्ट्री भी देख ली। और इसकी लोकेशन भी बता देते हैं आपको, इसकी लोकेशन है मसूरी, डासना मसूरी, डासना मसूरी में ये फैक्ट्री है, यहीं पे हम काम करते हैं। सारा भी देखिए, ये हमारा मेन गेट है, इधर से बाहर निकलने के लिए, ये हमारा ऑफिस है, इधर ये रूम बने हुए हैं, अगर कोई वर्क करने आता है बाहर का बंदा तो उसको इस रूम में जगह मिल जाती है, वो यहीं पे रहता है। यहाँ पे देखो बिस्तर बिस्तर लगे हुए हैं, पंखा भी लग रहा, एक फैन ये नीचे भी रखा हुआ है। ये हमारी पेंट करने वाली मशीन है, पेंटर की भी ज़रूरत रहती है, सारा ही कुछ है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने रूम में फिर से वापस आ गए हैं। ये हमारा रूम है, हमारे रूम में भी फैन लगा हुआ है और सारा कुछ खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ रहता है, गैस चूल्हा रखा हुआ है, हम यहीं से खाना वाना बना के खाते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।